एतहब कना मा स्टार्टिंग समय कना तकरीबन 4 खै 5 मिनट का नाम समय व्यू लगी और बड़ा टीम अनि नपाई के गति इकरानी देबी नुकिना का गति एतहब कान मार्सेलो दी नपाई लई से शुरुआत येलो कना अड्डी मोज आ मैच रहना हां पर का गोल स्कोर को बनी जान दरी हेलो सी बड़ा टीम के मौज मौज खिलाड़ी को खूब खेल रहा कौन रंग रे जर्सी रे नुपुदो जाकरा डंगा एक सीनियर स्टेज को टीम और नते कौन गुलाबी रंग को मुझे लेको नुपुदो एएफसी मालदा टीम बड़ा टीम खेलोड या रणनीति खेलोड या पर टेक्निक रेडी बेहतर ये लोकना जिथे भी गोल बम हुई गई तार कौन मिटे खेलो बाबा जर्सी नंबर 9 और एक और बिचारी नपाई चांस पादो सुशील दा यार लग पहली बार लगी 9 नंबर के पादो ने खो फ्रेंच विदेशी मूल के चारी पहली बार लगी उत्तर यार लगा जी बिल्कुल और एक कोई एडवांटेज जोड़ी जस्ती दा है कि ना उन्हें लगी इंटेक गोलकीपर ने ओपना लाइन था है कि ना वहां गोलकीपर जो थे वो ओपना लाइन थे और ऐसे समय पर फ्रेंच के लिए वहां पर बहुत ही अच्छा चांस था एक एडवांटेज था बॉल को फिनिश करने के लिए पोस्ट में लेकिन गेंद पोस्ट के ऊपर में खेल दिए और वो चांसेस जहां से गोल ले सकते थे वो फिनिशिंग शॉट नहीं लगा पाए अन्यथा फर्स्ट हाफ में स्टार्टिंग समय में ही एक महत्वपूर्ण गोल यहां पर अभी आउट ऑफ सी कर लिया है 9 नंबर वहां से गेंद को बेकास खेल रहे हैं प्रेज जस से बनाए में जो विदेशी मूल के खिलाड़ी है उसका नाम प्रेज है फिर वहां भी और सीकर अब यहां पर फिर से वहां अटैकर टीम के दो दो प्लेयर्स मौजूद होने के बावजूद गेंद को फिनिश नहीं कर पाए लेकिन पहुंच जाएंगे 8 नंबर लखन हसदा ऑफसाइड के टेक में ये इनडायरेक्ट फ्री किक लेने के लिए अवसर प्राप्त करेंगे इस बार जत्रा डंगा गाती बना तरह अड़ी तगड़ा गाती चला करना इनते जत्रा डंगा टीम हो डी मोस्ट टीम करना को और नोने खोई नुखवा गाती हम जल लिखा है बोल नुको हो पता नहीं राहुल केला टीम पे आया कि नहीं है और वहां खूबी कर गया जाए जब गेल बड़ा कोई देखिल ना इस्तेमाल करता तो कोई शॉट ट्राई किया पहला पावरफुल शॉट मार्सेल वहां शॉट जब लगा ना तो निश्चित रूप से थोड़ा गान ऑडियंस को चला रहे उनका कोलाहल बुझोना और नितो ही बुझोना भय भय थे मैच ना उनका लय करना उनका रफ्तार भाव दिख रहा नितो आक्रमण ना रवैया नोडे को अपना दर खास करके नोडे को जत्रा डंगा वेस्ट बंगाल टीम अब मैं देख रहा हूं आक्रामक रवैये के साथ यहां जत्रा डंगा की टीम खेलते हुए अब देखिए जत्रा डंगा इतना फुर्तीले के साथ गेंद को ले रहे हैं ये पहुंच जाएंगे ऑफसाइड में सर ऑफसाइड का कौन आया है सर जी हां ऑफसाइड और चलिए मेडिकल टीम पहुंच जाइए हां गोल नहीं हुआ गोल नहीं हुआ दोनों टीम की तरफ से मेडिकल टीम से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी पहुंचिए डिफेंस लाइन में थोड़ा गन एररिंग ने लिया मार्सेल और यही मैं देख समय था अभी स्टार्ट हुआ है अभी 16 मिनट हुआ है मैच स्टार्ट हुआ है डिफेंस लाइन में अगर ऐसे ही मिस्टेक होता रहा तो हमको लगता है कि अगला मिस्टेक इनके लिए समय बहुत बचा है अभी क्योंकि स्टार्ट हुआ है धीरे-धीरे जो खेल है इसमें काफी ज्यादा मैं डीसी का मैच नहीं है शायद आएगा तो जरूर बताएंगे वेस्ट बंगाल टीम का इसी समय पर क्रॉस निकलेगा वहां पर बाबूलाल हसदा लेकिन एक बेहतर पंच आउट वहां पर गोलकीपर का जी जब कभी भी अपोनेंट टीम अगर वो लगातार आक्रमण करते जाते हैं और बार बार वो अगर अपने प्रतिद्वंदी टीम के खिलाफ पेनल्टी एरिया का क्षेत्र में अगर गेंद को ले जाते हैं तो निश्चित रूप से सुशील दा वो जो डिफेंस लाइन के जो खिलाड़ी हैं वो निश्चित रूप परेशान में आ जाएगी क्योंकि बार बार गेंद उनके पास आएगा वहां पर उसको सामना करना है और डिफेंस लाइन ही वो एक ऐसा जगह है वैसा द्वार है जहां से वो अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देते हैं तो अपोनेंट टीम वहां से पहला गोल लगाने के लिए सक्षम हो जाएंगे तो यहां पर अब दो दो बार मिस्टेक्स
होकर के भी यहाँ पर मालवा टीम रिकवरी में सक्षम हो गए हैं, लेकिन इसी क्रम में यहाँ मैच रेफरी का एक अच्छा जजमेंट और रविलाल बॉल बाय क्लियर था इधर आप देखो जल में पास समांतर दिशा रहे नौ नंबर जत्रा डगा वेस्ट बंगाल कमाल का सेव गोलकीपर को मनना होगा मार्सेल गोलकीपर ने जो अपना रोल है अपने टीम के लिए वो बखूबी निभाया है अगर यहां से गोलकीपर रोहित के द्वारा थोड़ा सा भी मिस होता तो निश्चित रूप से यहां पर गोल आती जी और शॉटर को भी तारीफ करना है सुशीलदार नौ नंबर जर्सी पहनी खड़ी यहां पर जो शॉट लगाए थे जत्रा डगा एफसी वेस्ट बंगाल टीम से क्या कमाल का शॉट लगाया था उसका शॉट जो स्विंग हुआ था और गोलकीपर वहां रोहित जो हल्का सा वो बीट हो चुके थे और किसी तरह अपना दाहिना हाथ से वो गेंद को बाहर किए और वैसा भी होता तो वहां पर 1-0 का बढ़त करा लेते हैं यहां पर जत्रा डगा वेस्ट बंगाल टीम काफी अच्छा गोल कीपिंग और 0-0 की बराबरी में ये घमासान मुकाबला और मैं समझ रहा हूँ सुशील दा इस मैच को देखकर के जो हमारे ऑडियंस जो आए हुए हैं वो बिल्कुल इस मैच का वो मजा ले रहे हैं क्योंकि दोनों टीम इधर से दर्शक बहुत भीड़ है बेहतर लय में खेल रहे हैं यहाँ पर कोई हड़ बड़ी नहीं और एक साफ सुथरे में सटीक पास और जैसे आप यहाँ पर कहते हैं दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर क्षेत्र में गेंद को सप्लाई किया जा रहा है और यही चीज जो है कि खेल का खूबसूरती को बढ़ाता है वो उम्मीद पर जब प्लेयर्स खड़े उतरने लगे तो निश्चित रूप से खेल देखने में भी मजा आती है ये थोड़ा सा क्रॉस निकलने के क्रम में वहां पर अपने ही टीम हित में वहां पर एक कॉर्नर कंसीड किए ये हमारे मालवा की टीम और वहां से एक कॉर्नर को जीत लेंगे इस बार यात्रा डगा वेस्ट बंगाल की टीम नेक्स्ट मैच के लिए अभी से दोनों टीम साथ ही रेडी रहेंगे एफसी हल्दिया मणिपुर वर्सेस इक्वाबीर कोलकाता आप अभी से आप लोग तैयार रहेंगे अगला मैच के लिए नियमाना गति दोनों को नियम तीन आपका मापूला करना पहल दिन आपका मुचर गति पहल नाम देना मधुकिन गति है एफसी हल्दिया मणिपुर वेस्ट बंगाल वर्सेस किसी का नहीं पता है ब्रदर्स अगला मैच ही चतरा डगा शॉट लिया लेकिन गेंद वहां से हुई है वहां पर प्ले ऑफ आएंगे आएंगे पुक्रिया भी आएंगे लखन इस बार लेकिन यहां कटबैक किया जर्सी नंबर 4 के लिए जर्सी नंबर 3 ने जत्रा डगा की टीम गोल पर आगे निकलते हुए एक मौके पर अपना पोजीशन लिए गोल कीपर के लिए पहला गोल करने के लिए ये ऑप्शन वहां पर तलाश रहे हैं दो नंबर इस बार थोड़ा सा वहां पर खिलाड़ियों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पर सुशील का कम्युनिकेशन गैप रह गया और ऐसे में अब खोल करने के लिए मौका यहां से मिल जाएगा जत्रा डगा एफसी वेस्ट बंगाल टीम लेकिन मार्सेल खेल देख करके ऑडियंस भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो 3 है 6 है 9 है ये सारे प्लेयर्स जब गेम लेकर के जाते हैं तो ये इतना बेहतर इनके द्वारा क्लोज निकलती है ये चीज देखा गया कि वो जानबूझकर कर रहे थे इसलिए उनको बुकिंग किया गया है आज के दिन में ये पहला ये बुकिंग हुआ है अच्छा जत्रा डगा वेस्ट बंगाल के जो मैनेजर है आपने नेम लिस्ट यहाँ पर जमा नहीं किया है अब तक और अब यहाँ से जो सेट पीस बन रहा है इसके जरिए कि यहाँ पर गोल ले पाएंगे मालदा की टीम शॉट लेने के लिए मोरिस शॉट लिया तगड़ा लेकिन गोल जाएगी ऑफ टारगेट पर कोई फायदा हुआ नहीं क्या गया रेफरी बंगाल से ब्रदर्स
साधु महारानी नहीं आएगा ब्रो। प्लेयर्स को कुछ सजेस्ट किया होगा, कुछ कहा होगा। और यहाँ से अगला मैच के लिए दोनों टीम सभी से आप भी रेडी रहेंगे, खास करके एफसी हल्दिया मणिपुर वेस्ट बंगाल की टीम और हल्का भी। और यहाँ दूसरे हाथ का मैच को भी अब जल्द यहाँ से स्वागत कर दिया जाएगा। मैच अब स्वागत होने वाला है। मैंने कर दिया कलर भी, जैसे कलर भी जो मालदा का टीम है ये गुलाबी टीम और जो वाइट जर्सी है ये इसी के बीच बोल इस बार कितने वहां से महावीर है प्रभु महावीर बोल आगे बढ़ा दिया था लेकिन सिकंदर कहां से सुपर तो सारे हाँ आप लोग नहीं है इसीलिए मजा ही नहीं आ रहा है, रौनक नहीं लग रहा है लेकिन इतना बड़ा मैच में भी अपना टीम खेला एक अच्छा परफॉर्मेंस। और इसी क्रम यहाँ पर मालदा टीम नेक्स्ट मैच कौन प्लेयर आएगा देखेंगे। फाइनल 18 को अंकित गोलकीपर कहाँ गया पता नहीं, अंकित कहाँ गया। फाइनल 18 तारीख को है, अंकित है गोलकीपर, गायब नहीं हुआ है वो, तो दूसरा टीम से गोलकीपिंग करता है। ग्राउंड छोटा है, हाँ 11 साइड के लिए ग्राउंड नहीं है। दूसरा टीम दूसरा मैच बगदाद यहाँ से बॉल को आगे सरकाने का प्रयास कर रहा था शिखर, अब यहाँ पर 2 नंबर को खेल दिया है जर्सी नंबर 2 पहने खड़े सुबीर सोरेन और एक अच्छा पास बनाने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन शिखर में फिर से यहाँ से 7 नंबर गेंद को जीते यहाँ से आलोक अग्रवाल लेकिन बाहर यहाँ पर उनका बेहतर निकल पाए थे। दूसरे हाथ का मैच में यहाँ पर देखा बराबरी नहीं ये मैच को खेल रहा है, परिणाम क्या होगा। और बाबूलाल फिर से 11 नंबर आठ गाड़ी एंगल में गेम को लेकर के क्रॉस किया था लेकिन अब ये उतना बेहतर क्रॉस लगा पाए थे, 25 टीम का बॉडी में गेंद डिफ्लेक्ट होकर गोल जाएगा गोल लाइन से बाहर। और यहाँ अजय बलंगी मैच रेफरी वहां कॉर्नर स्पॉट की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर ये कॉर्नर होगा। व्हाइट टीम के सारे प्लेयर्स मालदा के हैं, अच्छा ठीक है ब्रदर्स व्हाइट वाला मालदा है। तुरंत ही गेंद को रिलीज कर दिया गया है इसके बीच वहां से महावीर और बाबूलाल क्या गेंद पर ले पाएंगे, ये होगा ऑफसाइड। बाबूलाल बेहतर गोल लगा दी है यहां से एएफसी मालदा टीम और लेफ्ट एंगल पर यहां पर 17वें मिनट में एक अच्छा गोल लगा दिया है। Oh,
इसके बीच में फिर से बॉल इस बार जीत लेगा मालदा टीम। लखन लखन से बाबूलाल के लिए और बाबूलाल के लिए जीत पाएंगे। इसी तरह यहाँ पर फिर से मुंडा सात नंबर मुंडा मंडी मुंडा गेंद को सजा रहे हैं लेकिन वहां से बेकार इस बार महावीर खेल दिया है। महावीर लंबी बॉल खेल दिया था एक रोलिंग पास के जरिए गेंद को बढ़ाने का प्रयास किया था। इसी क्रम में 11 नंबर बार गेंद को जीत रहे हैं ईशान किस्कू 11 नंबर का। यस ब्रदर हाफ टाइम हो गया है खेल रहा है ये है हाफ टाइम हुआ है सेकंड हाफ का मैच चल रही है। जफरा दादा वेस्ट बंगाल टीम लेकिन यहाँ पर फिर से उमेश बंडी उमेश यहाँ पर एक अच्छा पास करा दिया है यहाँ पर निकल गए और सिकेट को तो तैयार इस बार बाल का टीम ये पास वहाँ पर खेल रहे हैं ग्रीन मुंह कर रहे हैं ये हो एक ताल ताल ग्रीन करे यहाँ पहले ही जा चुके थे लखन और थोड़ा सा तालमेल नहीं बन पाया वहाँ बाल का टीम से। और ये इंजरी टाइम जो 2 मिनट का जोड़ दिया गया है इसी क्रम में एक खड़े को चेंज करने का भी आग उसको भी येलो कार्ड दे दिया गया है। यस प्लेयर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू अमन कोई नियम नहीं ठीक है जगह देखो और भी देख रहे हैं जगह देखने में तो हां तो देखो और A yellow card has been served to Jasim Mumbai of Auburn player Khufan from Malda team. The score line of this match is 1-0. The team Kingfisher भी नहीं है bro, Kingfisher भी नहीं है. And Jafra Nagar West Bengal 0. इसी के साथ यहाँ पर